बारिश तो कम हुई नहीं, लाभ भी हो गया यार। वाह, हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल आर्टिसान केडी में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कुलदीप रावत आपका स्वागत करता है। आज हमें सुंदर नर्सरी जो कि स्थित है निजामुद्दीन के पास, जो कि पहले अजीम बाग के नाम से जानी जाती थी, 16 सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ था। सुंदर नर्सरी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं तरह तरह के पेड़ पौधे, कई तरह की सब्जियाँ। यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्जियों की भी सेल होती है, जो कि संडे को सुबह 7 बजे से 2 बजे तक की रहती है। पर आने की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक। ये काफ़ी एक अच्छा पिकनिक स्पॉट रहेगा। आप अगर कोई पिकनिक प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सुंदर गार्डन, पीछे एक हेरिटेज बिल्डिंग भी है। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। चिड़ियों की आवाज़ें, चिड़िया चहचहा रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आके। आज बारिश भी हुई है, तो बारिश के बाद तो यहाँ का मौसम और भी सुंदर हो गया। ये यहाँ का मैप है, आप देख सकते हैं। एक नंबर में एक कन्ना गार्डन, फिर सेकंड विल्डरनेस, उसके बाद मुगल पवेलियन है। यहाँ के जो कीज डेस्टिनेशन है उनकी जानकारी दी गई है। हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये जगह। दोनों तरफ हरियाली से भरा हुआ खूबसूरत समा, बारिश के बाद पत्ते धुले हुए हैं, महक आ रही है मिट्टी की, बहुत ही सुंदर वातावरण। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे तरह तरह के पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए क्या सुंदर बाग है, एकदम हरियाली से भरपूर। तो गाइस देखिए जंगली तुलसी, तो गाइस आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा है यहाँ पे। चारों तरफ लाल पीले फूल, फूलों के बाग में जैसे कि हम किसी जन्नत में आ गए हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे ठीक राइट साइड में ये है बोंजाई हाउस, जो कि इसमें तरह तरह के पौधों को प्रोडक्शन के साथ रखा गया है। 1950 से यहाँ पर संभाल के रखे गए हैं, इनका खूब प्रोडक्शन है। देखिए गेटेड सोसाइटी, गेट के अंदर बंद है ये। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जहाँ जिधर देखते हैं वहाँ सुंदरता बिखरी हुई है। चारों तरफ पेड़ पौधे, तरह तरह के पेड़ पौधे। अभी हमने देखा था बोंजाई हाउस। तो फ्रेंड्स आज तो मौसम भी हमारा खूब साथ दे रहा है, आप देखिए खूब बादल लगे हुए हैं आज आसमान में। चिड़िया दाना चुग रही है, साथ में गिलहरियां भी, दोनों मिल बांट के खा रहे हैं। क्या सुंदर अच्छा नज़ारा है। ये है सुंदर नर्सरी का रोज सेक्शन, आप देख सकते हैं दोनों तरफ गुलाब के फूल।
सारे गुलाब खिले हुए हैं, दोनों तरफ देख सकते हैं आप, गुलाब ही गुलाब। और पीछे एक सुंदर बगीचा जहाँ से अभी हम होकर आए। आप सुनते हैं बारिश की मधुर आवाज़। आज मौसम इतना सुहाना है, सुबह से बारिश बरस रहे हैं, बारिश हो चुकी है, बहुत सुंदर हो गया बारिश के बाद तो। और भी तो गाइस, बारिश हो गई है बीच में। सो गाइस, आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, सामने पुल, पुल के नीचे से बहता हुआ पानी, एक छोटी सी लेक यहाँ पे बन गई है, लेक किनारे पंछी मटरगश्ती कर रहे हैं तैरते हुए, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। बारिश के बाद तो नज़ारा ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ रुक जाए टाइम और हम बस यहीं रह जाए, यहाँ से बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि पूरा दिन यहीं बीत जाए, पर आगे तो बढ़ना ही होगा, आगे तो जाना ही है। दिन बारिश के दिन आए, क्यों ना आए भाई, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये पार्क, लोग सुंदर मौसम में आनंद ले रहे हैं। और ये फाउंटेन, ये वाटर हार्वेस्टिंग का एक शानदार नमूना है। आप देख सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग का ड्राइंग। सो गाइस, ये है खूबसूरत फाउंटेन एरिया, आप देखिए क्या सुंदर नज़ारा है। बड़ी देर बाद बारिश रुकी और हम बाहर निकल पाए। आप देखिए ये बगीचा खूबसूरत, पपीते के पेड़ दोनों तरफ, और वहाँ फूल। तो गाइस, आप देख सकते हैं खूबसूरत फाउंटेन का पानी यहाँ पर निकल रहा है, और नीचे पैर डाल के एक खूबसूरत एहसास देखने को मिल रहा है यहाँ पर, बहुत सुंदर लग रहा है, मन करता है यहाँ बैठे ही रहें। सामने एक बरगद का बहुत पुराना पेड़ दिख रहा है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, अति सुंदर। वाह गाइस, आज तो बारिश समय का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रही है, एक बार फिर दोबारा बारिश शुरू हो चुकी है। तो गाइस देखिए, मेरे दोनों तरफ सुंदर घास रैंप बना हुआ है चलते हुए, मेरे पीछे एक टॉम दिखाई दे रहा है, अभी हम उस टॉम के पास जाते हैं और आपको जानकारी देते हैं उसके बारे में। सो गाइस, अब हम आ गए हैं इस टॉम में, यहाँ देखने में बड़ा अच्छा सुंदर स्ट्रक्चर लग रहा है, पत्थरों का बना हुआ, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के जोड़ के बनाए गए, मुगल कालीन काल में ऐसी शिल्पकारी हमें देखने को मिलती थी। आओ, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के ऊपर चलते हैं, काफी अच्छा सुंदर स्ट्रक्चर। आजा, तरफ दरवाजे, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पवेलियन के अंदर कितनी खूबसूरत खिड़की जालीदार, और ये इसका गुंबद है, गुंबद के अंदर खूबसूरत नक्काशी का नमूना है, बहुत ही अति सुंदर, बहुत बढ़िया। तो गाइस, शो मस्ट गो ऑन। तो आप देखिए भरपूर बारिश है, उसके बाद हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, चारों तरफ पानी बहता हुआ, आज तो भगवान बहुत खुश है हमें।
यहाँ पर देखो लोग छाता लेके टहल रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। काफ़ी देर से बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो दिल्ली में इतनी बारिश हमने इमेजिन ही नहीं करी थी। अभी भी आसमान में काले बादल छा रखे हैं, लोग घूम रहे हैं, नहा रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं पानी का, बारिश का। बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बात है, हैं? तो गाइस देख सकते हैं ये बहुत पुराना पेड़, ये ऊपर से टॉम के नीचे का नज़ारा है, बहुत सुंदर नज़ारा है। सो गाइस ये है मर्लिन मिनिएचर टाइप, पिंक कलर के, इन प्रोसेस में है अभी। तो गाइस आप देख सकते हैं तरह तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं। मुकाबला नहीं है इस नजारे का, काफी सुंदर। जैसे जैसे हम आगे आगे चलते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें और मनमोहक नज़ारे दिखते ही जा रहे हैं। आज जम के पानी बरसा है, बहुत दिनों बाद दिल्ली में ऐसी बारिश देखने को मिली है। आप देखिए सामने क्या खूबसूरत मीनार, उसके ऊपर गुंबद, अति सुंदर। तो गाइस अगर आप सुंदर नर्सरी आते हैं तो यहाँ पर एंट्री फीस है 50 रुपये एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए आपको 25 रुपये देने पड़ेंगे। हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पे देखे सैकड़ों तरह के पेड़ पौधे, फूल, नर्सरी, पानी के फाउंटेन। यहाँ पर एक मकबरा भी है जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। भूख लगे तो यहाँ पर कैफ़े भी आप विज़िट कर सकते हैं, कैफ़े में आपको खाने के लिए मिल जाता है सैंडविच वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें। कुल मिला के एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आप कोई पिकनिक प्लान कर रहे हैं फैमिली के साथ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर विज़िट करें सुंदर नर्सरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर यहाँ पर आकर विज़िट करें और साथ के साथ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को आर्टिसान केडी। धन्यवाद। इसी के साथ हम यहाँ पर अपना वीडियो एंड करते हैं। आपकी मुलाकात होगी एक नई जगह, नए डेस्टिनेशन के साथ, जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे नई जगह के बारे में। धन्यवाद।